नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। हाजीपुर के महुआ में हिंदू जागरण मंच की ओर से मिनी गन फैक्ट्री उद्भेदन के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई और इसी के साथ ही प्रदर्शन भी किया गया। हाजीपुर के महुआ में हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में मंच के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में महुआ के गांधी स्मारक चौक पर चेहरा कला के चपेट में मिनी गन फैक्ट्री उद्भेदन के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपियों को फांसी देने जाने और वर्षों से संचालित उक्त गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने वाले कोलकाता, मुजफ्फरपुर और वैशाली के पुलिसकर्मियों को पदोन्नति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन सभा के दौरान विनोद यादव ने कहा कि चेहरा कला के चपेट गांव में आतंकी संगठन पीएफआई के एजेंट के द्वारा गोली, बंदूक और विदेश हथियार का कारखाना चलाया जा रहा था, जिसका मुख्य आरोपी मोहम्मद सरफरे आलम आसिफ रजा को कड़ी से कड़ी सजा और फांसी देने की मांग सरकार से करती है। इस कार्यक्रम में हिंदू जागरण मंच के नंदन कानू, अमर कुशवाहा, चंद्रिका झा, विक्की विनय आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। क्या है कि कल दिन में बंगाल की पुलिस और बाहर की पुलिस, मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी सहित कई जिलों के पुलिस ने मिल करके यहाँ नाकेबंदी की और उन्होंने चेहरा कला के कठारा के पास चपेट गांव में एक जगह छापा मारा, जहाँ 200 से अधिक संख्या में हथियार बरामद किए गए और उन वो हथियार लाए नहीं गए बल्कि उसी घर के अंदर इंडस्ट्री बना करके हथियार बनाए जा रहे थे। हम जैसा कि जानते हैं कि महुआ में एसएसबी का कैंप किस लिए है, इसलिए है कि ये माओवादी ग्रस्त क्षेत्र है, ये इसलिए है कि यहाँ पर जिहाद के नाम पर स्लीपर सेल को पोसा जा रहा है, पाला जा रहा है, इसलिए एसएसबी का यहाँ कैंप है। पिछले 5 साल से वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता थाने को सूचित भी करते थे कि रात भर वहाँ आवाज आती है, बिजली का अचानक लाइट धीमा होता है, आप जांच करें। पुलिस कहती थी ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन कल जब छापा पड़ा तो छापा पड़ने के बाद में जब वहाँ सारी चीजें निकल करके आई है तो सवाल उठता है कि थाने से कुछ किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा ये फैक्ट्री चल रहा था और किसी को पता नहीं था। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महुआ है ये बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, वो मोदी जी का गांधी मैदान में कार्यक्रम हुआ, उसके पहले इसी महुआ के हॉल के अंदर मीटिंग हुई थी जिसका सीआईडी रिपोर्टिंग है और वो जो बम ब्लास्ट गांधी मैदान में हुआ था उसके भी तार महुआ से जुड़े हुए हैं। इसके बाद भी कोई इसका उद्भेदन नहीं हुआ। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, सैल्यूट देना चाहता हूँ उन जवाब एसटीएफ के स्टाफों को जो जान पर खेल करके ऊंचा खाना चलने वाले गांव जहां पर कि ऐसे लोगों की आबादी है वहां जाकर तो उनको जिंदा पकड़ा है। हमारी मांग है कि जो जिंदा पकड़े गए हैं उनसे सारी जानकारी ली जाए और उन पुलिस कर्मियों को पदोन्नति दिया जाए। हम सब पुलिस प्रशासन के इस कदम का स्वागत करते हैं।